Let's get too emotional. It's my bro. That's a Hebrew movie. मैंने उनको कहा आपने एक्सपीरियंस इतना टफ है, हमने डायलॉग लिख दिया है सब कुछ, मजदूर का हाथ है कादिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। इन बॉलीवुड वालों ने सनी देओल के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं किया। जी हाँ, ये कहना था बॉलीवुड के जाने माने निर्देशकों में से एक राजकुमार संतोषी का, और राजकुमार संतोषी के मुंह से ये बातें सुनकर सनी देओल की आंखें भी नम हो गईं। मिली जानकारी के अनुसार बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक मास्टर क्लास के दौरान सनी देओल भावुक हो गए। इस महोत्सव में सनी देओल ने करियर के बारे में बातचीत की और याद किया कि कैसे गदर की रिलीज के बाद इतने साल तक उनके पास कोई भी काम नहीं था। सनी देओल के साथ उनके निर्देशक अनिल शर्मा, राजकुमार संतोषी और राहुल रवेल भी शामिल रहे। सनी देओल मौजूदा समय में गदर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद एकदम से लाइमलाइट में आ गए और आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। लेकिन गदर 2 से पहले उनका करियर कैसे था, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों से लगातार उनकी 12 से 13 फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उनकी सभी के सभी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। इस हाल से गुजरने में सनी देओल को काफी समय भी लगा, और जब इस बात का जिक्र हुआ तो सनी देओल की आंखें नम हो गई और वो फोट फोट कर रोने लग गए। दरअसल इस महोत्सव में जब राहुल रवेल ने सनी देओल से साल 1983 में आई बेताब फिल्म से शुरू हुई उनके बॉलीवुड करियर के बारे में पूछा तो सनी देओल ने कहा कि वास्तव में बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाता हूँ, यही मेरी समस्या है। मैं बहुत भाग्यशाली था, मैंने राहुल से शुरुआत की, उन्होंने मुझे 3 खूबसूरत फिल्में दी, कुछ ने काम किया कुछ ने नहीं, लेकिन वो फिल्में आज भी लोगों को याद है, मैं अपनी फिल्मों की वजह से यहाँ पर मौजूद हूँ। सनी देओल यही नहीं रुकते हैं और आगे वो कहते हैं कि गदर एक बड़ी हिट थी, इसके बाद मेरा संघर्ष काल शुरू हो गया था क्योंकि मुझे विषय या स्क्रिप्ट की पेशकश नहीं की गई थी, चीजें नहीं हो रही थी। हालांकि मैंने बीच में कुछ फिल्में की लेकिन उनमें से 20 साल का अंतर था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा। मैं फिल्मों में इसलिए आया क्योंकि मैं अभिनेता बनना चाहता था, स्टार नहीं। मैंने अपने पिता की फिल्में देखी थी और मैं उसी तरह की फिल्में करना चाहता था। अब सनी देओल की ये सब बातें सुनने के बाद जब राजकुमार संतोषी ने कहा कि मेरा मानना है कि इंडस्ट्री ने सनी देओल की प्रतिभा के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं किया है, लेकिन भगवान ने न्याय किया है, और उनके इस बयान से सनी देओल की आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक हो गए। बताना चाहेंगे कि सनी देओल अभी हाल ही में गदर 2 के साथ शानदार वापसी कर चुके हैं और कई सारी बड़ी फिल्मों के साथ वो एक बार फिर बॉलीवुड सुपरस्टार के रूप में वापसी कर चुके हैं। आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनेंगे और उन्हीं फिल्मों की शूटिंग में वो इन दिनों व्यस्त चल रहे हैं।